बिहार में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू हो गया है। बुधवार को पटना एम्स में 3 बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। यहां 2 से 18 साल के 3 बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। जानकारी के अनुसार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से बच्चों में कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 11 मई को इजाजत दी गई थी। बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल के लिए किसी पर भी दबाव नहीं बनाया। लोग अपनी स्वेच्छा से बच्चों को लेकर आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में तांडव मचाने के बाद अब वायरस के संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में धीरे धीरे कम हो रही है। इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। पहले की अपेक्षा बिहार में अब कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। राज्य में अब रिकवरी रेट तेजी से बढ़ा है। अभी तक राज्य में 18 वर्ष से अधिक लोगों को वैक्सीन देने का काम हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार को 2 से 18 साल के बीच के जिन बच्चों को वैक्सीन दी गई, पहले उनकी स्क्रीनिंग की गई, जिसमें उनका RT-PCR और शरीर की एंटीबॉडी को चेक किया गया। सब कुछ ठीक होने के बाद उन्हें वैक्सीन दी गई। सूत्रों की माने तो पटना एम्स ने 100 बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट्स की माने तो वैक्सीन लगने के बाद किसी भी बच्चे में किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिला। पूरे अस्पताल प्रशासन के लिए ये एक बड़ी राहत की बात रही। जिन बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है, अब 28 दिन बाद उन्हें दूसरी डोज दी जाएगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।